which is sequence and series. This chapter is for your PT2 syllabus. Let us start firstly with the definitions of different terms associated with this chapter. Yes, please write down. First definition is of sequence. Write down. First definition is of sequence. First definition is of sequence. A sequence is an ordered list of numbers. A sequence is an ordered list of numbers. Ordered list of numbers whose domain is the subset of natural numbers. Whose domain is the subset of natural numbers. Now, what is the meaning of domain? Domain का मतलब होता है कि अगर हम लोगों को कोई function given है या कोई term या कोई general term given है और हम लोग उसमें कुछ value put कर सकते हैं, then that value is known as domain of the function. Let us consider जैसे 10th class में हम लोग graph का question करते थे x plus y is equals to 7. हम लोग क्या करते थे? Let x is equals to 3. Correspondingly हमारे पास y की value 4 आ जाती थी. Let x is equals to 2. Correspondingly y की value 5 आ जाती थी. तो इसका मतलब जो ये पहली values हम लोग put कर रहे हैं x की, these values are known as the domain of the function. ठीक है? और यहाँ पे भी जो sequence की definition है, इसमें भी यही चीज लिखी हुई है कि sequence is the ordered list of numbers whose domain is the subset of natural numbers. ठीक है? Understand? A sequence is an ordered list of numbers whose domain is subset of natural number. And generally a sequence is denoted by curly bracket. A, N. और इस तरह से हम लोग curly bracket डाल देते हैं. Write down. Generally a sequence is denoted by this term A, N. और इस तरह से हम लोग curly bracket डाल देते हैं. ठीक है जी? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है सीरीज. नेक्स्ट डेफिनेशन राइट डाउन सीरीज. इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर एसोसिएटेड विद प्लस और माइनस साइन then the resulting sequence is called a series. अभी सीक्वेंस की मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं. लेट अस कंसिडर 1, 3, 4, 5, 11, 13 एंड सो ऑन. इस तरह से मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं by putting commas in it, then it is called sequence. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 + 3 + 4 + 5 + 11 + and so on या 1 - 3 - 4 - 5 - 11 and so on इस तरह से प्लस या माइनस साइन डालता हूं, देन दिस इज नोन एज अ सीरीज. तो डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया. व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? अ सीक्वेंस क्या है कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की जो नेचुरल नंबर्स का सबसेट होते हैं. लेकिन अगर उन्हीं नंबर को हम लोग प्लस या माइनस के साइन के साथ एसोसिएट करके लिखते हैं, देन दोज सीक्वेंस आर नोन एज सीरीज. ठीक है? अब इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोग्रेशन. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन. इफ डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन, इफ the terms of sequence, if the terms of sequence, bracket में लिख लीजिए और sequence, इस तरह से if the terms of sequence or sequence, terms of sequence
यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए और सीक्वेंस, होल सीक्वेंस फॉलोज सम डेफिनेट रूल, फॉलोज सम डेफिनेट रूल, देन इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन, देन इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। अब बेटा जी डेफिनेट रूल से मेरा मीनिंग ये है कि अगर हम लोग सीक्वेंस या सीरीज में से डिफरेंट टर्म्स को देखकर उसकी जनरल टर्म या उसकी एनएक्स टर्म अगर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं देन दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, अगर मैं ये सीक्वेंस सी आपके पास लिख रहा हूं जो ये मैंने लिखी है 1, 3, 4, 5, 11, 13 एंड सो ऑन। अब चेक कीजिए यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस, फिर 1 का, उसके बाद 6 का डिफरेंस, फिर 2 का, कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो मैं इसकी जनरल टर्म एनएथ टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकता। जैसे हम लोग 10th क्लास में एपी में जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते थे, यहाँ पे मैं कोई जनरल टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकता। सो दिस विल नोन एज सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस ही रहेगी लेकिन दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन तो nth टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, n। इसी तरह से 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन लिखता हूं तो इसकी nth टर्म मेरे पास हो रही है 1/n। इट मींस मैं क्या है कि जनरल टर्म फाइंड आउट कर पा रहा हूं, और अगर मैं जनरल टर्म फाइंड आउट कर पा रहा हूं तो इट मींस क्या है कि दिस सीक्वेंस विल बी अ प्रोग्रेशन। अंडरस्टैंड? तो प्रोग्रेशन क्या होती है कि अगर डिफरेंट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न जहां से हम लोग एनएस टर्म फाइंड आउट कर सकें देन दैट इज नोन एज अ प्रोग्रेशन। और हमारे सिलेबस में यहां पे 2 टाइप्स की प्रोग्रेशन है, फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग यही 2 प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज हमारे पास स्पेशल सीरीज का टॉपिक भी था बट ड्यू टू द सिचुएशन CBSE has deleted that topic from the our syllabus. So therefore, we are left with only 2 topics, that is arithmetic progression and geometric progression. ठीक है जी? अब arithmetic progression को start करने से पहले हमारे पास एक छोटी सी exercise है sequence की. But before doing that sequence, one important definition लिखिए. Fibonacci sequence. Spelling लिखिए Fibonacci के FIBONACCI Fibonacci sequence, लेकिन इसको पढ़ने के वक्त हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं NACHI। पढ़ने के वक्त हम लोग इसको Fibonacci इस तरह से पढ़ते हैं बट इट्स स्पेलिंग आर FIBONACCI। नाउ व्हाट इज Fibonacci सीक्वेंस, राइट डाउन। A Fibonacci sequence is the sequence. A Fibonacci sequence is the sequence in which the first 2 terms are 1, in which the first 2 terms are 1, and third term onward. And third term onward are the sum of previous 2 terms. Third term onward are the sum of previous 2 terms. अब देखिए इसको किस तरह से लिखा जाता है, इस सीक्वेंस के मेंबर्स किस तरह से होते हैं। Now see here. Fibonacci sequence कहती है कि पहली 2 टर्में इसकी 1 होती हैं और उसके बाद थर्ड टर्म ऑनवर्ड जो है वो प्रीवियस 2 टर्मों का सम होता है। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 1 + 1 = 2, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 1 + 2 = 3, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 2 + 3 = 5, एंड नेक्स्ट टर्म विल बी 3 + 5 = 8 एंड सो ऑन। समय लग गई। पहली 2 टर्में इसमें 1 होती हैं और उसके बाद थर्ड टर्म ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स हैं वो उसकी पिछली 2 टर्मों का सम होती हैं। अब इसी तरह से अगर हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म लिखनी है देन नेक्स्ट टर्म विल बी 13
and then next term will be 21 and so on. ठीक है जी, ये डेफिनेशन इसलिए लिखवाई है क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके ऊपर बेस हमारे पास एक क्वेश्चन भी है. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 फॉर दिस चैप्टर. क्वाइट इजी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1, फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे बेटा इसमें हम लोगों को गिवन है राइट द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is given to you. अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, और हम लोगों को यह कहा गया है कि इसकी फर्स्ट फाइव टर्म्स लिखनी है. तो क्या करना है हम लोगों ने, पुट एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and 5. और जब हम लोग इसमें डिफरेंट टर्म्स इस तरह से पुट करते हैं तो ए वन इज इक्वल टू 1 into 1 plus 2, दैट इज 3. A2 is equals to 2 into 2 plus 2, 4 into 2 will become 8. हम लोगों ने जो ये n की वैल्यूज है वो ये गिवन क्वेश्चन है इसमें पुट करनी है. सिमिलरली A3 is equals to 3 into 3 plus 2, that is 15. A4 is equals to 4 into 4 plus 2, that is 24. And A5 is equals to 5 into 5 plus 2, that is 35. And this will be your answer for this question. Simple सा question है, आप लोगों को nth term given है and you need to find out the first five terms of the given sequence. Now let us discuss one more question. Fifth question discuss करते हैं क्योंकि otherwise second, third or fourth question quite easy. Fifth question is an is equals to minus one raised to power n minus one. 5 raised to power n plus 1. Fifth question is minus 1 raised to power n minus 1 into 5 raised to power n plus 1. Now we need to find out first 5 terms of this sequence. Again, simple si baat hai. We need to put n is equals to 1, 2, 3, 4, 5. N is equals to 1, 2, 3, 4, 5. अब जो ये given equation है, given sequence है, जो formula given है, इसमें हम लोगों ने n की value put करनी है. Now see here, a1 is equals to minus 1 raised power 1 minus 1, 5 raised power 1 plus 1. अब बेटा जी यहाँ पे आता है minus 1 की power 0. Something raised to power 0 is always equals to 1. So this will become 5 raised to power 2, that is 25. Then put n is equals to 2. Minus 1 raised to power 2 minus 1. 5 raised power 2 plus 1, that is minus of 5 raised power 3, क्योंकि minus 1 की power 2 minus 1, that is minus 1 की power 1, और minus 1 की power 1 हो जाएगा minus 1, it will be minus 125. Similarly, next term is minus 1 raised power 3 minus 1, 5 raised power 3 plus 1, it will become minus 1 की power 3 minus 1, यानि कि minus 1 की power 2 हो जाएगी, so it will become 5 raised power 4, and that will be 625. Again, minus 1 raised power 4 minus 1, 5 raised power 4 plus 1, minus 5 raised power 5, and that will be minus 3125. And again, minus 1 raised power 5 minus 1, 5 raised power 5 plus 1. That is 5 raised power 6, and it will become 15625. So this will be your answer for this question. Just n की value 1, 2, 3, 4, 5 put करनी है, उसके बाद we can find out the different values for this sequence. Note down कर लीजिए बेटा. Now next questions are find the indicated terms in each of the following sequence from 7 to 10. जो 7 से लेके 10th question है, इनमें हम लोगों ने indicated terms find out करनी है. इंडिकेटेड टर्म्स मींस क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट कि जो यहां पे वैल्यू गिवन है, जैसे लेट अस सपोज 7th क्वेश्चन में an इज इक्वल्स टू 4n माइनस 3 गिवन है, 4n माइनस 3, एंड वी आर डायरेक्टेड दैट वी नीड टू फाइंड आउट a 17 एंड a 24. मींस टू से n की वैल्यू 17 पुट करनी है, 4 into 17 माइनस 3, और यहां पे 4 into 24 माइनस 3, और यहां पे सॉल्व करते हैं, इट विल कम आउट टू बी 65, और ये a24 को सॉल्व करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 93.
Just we need to find out the values which are mentioned here only. Up to 10th question, you can do such question by just putting the values which have been asked to us. Now, let us start question number 10th karte hain. 10th question is an is equals to n into n minus 2 divided by n plus 3 and we need to find out a20. Means to say put n is equals to 20. Put n is equals to 20 in the given formula, that is a20 is equals to 20 into 20 minus 2 divided by 20 plus 3. It will come out to be 20 into 18 divided by 23 and this comes out to be 360 divided by 23. And this will be your answer for this question. Now, next question, 11th question. is a1 is equals to 3 and an is equals to 3 into a. अब ये देखिए जो ये n minus 1 है ये a के पैर में है plus 2 और ये plus 2 already directly add होगा for all n greater than 1. And we need to find out the first 5 terms of the following sequence. इस sequence की first 5 terms find out करनी है. First 5 terms मतलब क्या कि 1, 2, 3, 4, 5. अब बेटा यहाँ पे 1 already हम लोगों को given है. ठीक है? So put n is equals to 2, 3, 4 and 5. क्योंकि a1 already हम लोगों को given है. अब देखिए जरा अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं गिवन फॉर्मूले में a2 इज इक्वल्स टू 3 इनटू a 2 माइनस 1 प्लस 2. अब चेक कीजिए ये बनता है 3 इनटू a1 प्लस 2. अब यहां पे a1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी 3 गिवन है तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं एंड इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 दैट इज 11. आफ्टर दैट a3 इज इक्वल्स टू 3 इनटू a3 माइनस 1 plus 2, that is 3a2 plus 2. अब बेटा जी a2 की वैल्यू पुट करनी है वो हम लोगों ने यहां पे फाइंड आउट की थी. ये देखिए a2 की वैल्यू 11 आई हुई है so we need to put the value of a2 here. This will be 3 into 11 plus 2, that is 35. पहले 11 3 से मल्टीप्लाई होएगा 33 plus 2 is 35. Then a4 is equals to 3 into a4 minus 1 plus 2. 3 into A3 plus 2. 3 into 35 plus 2. 35 threes are 105 or 105 plus 2 107. And then A5 is equals to 3 into A5 minus 1 plus 2. That is 3A4 plus 2. Or A4 ki value hum logon ne yahan pe find out kiya 107. ये पुट करते हैं यहां पे 3 into 107 plus 2. Now 107 321 होता है और 2 इसमें ऐड किया so answer is 323. So these 4 are our next values और first a1 जो है वो already हम लोगों को 3 given है. ठीक है जी, note down कीजिए बेटा जी. Next, we are going to start question number 12. 12th question. Is again a1 is equals to minus 1 and an is equals to an minus 1 over n. अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर में फिर से n जो है वो उसके पैर में है a के और साथ में हम लोगों को गिवन है n greater than equals to 2 पुट करना है. n greater than equals to 2 अगेन फर्स्ट वन इज गिवन, यहां पे लिखेंगे पुट n is equals to 2
थ्री फोर एंड फाइव. अब पहले एक टू पुट करते हैं, ए टू इज इक्वल्स टू ए टू माइनस वन ओवर टू, यानी कि ए वन ओवर टू. ए वन की वैल्यू हम लोगों को गिवन है माइनस वन ओवर टू. नाउ ए थ्री इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस वन ओवर टू, दैट इज ए टू ओवर टू. नाउ ए टू वॉज माइनस वन बाय टू ओवर टू, इट विल बी माइनस वन बाय फोर. देन ए फोर इज इक्वल्स टू ए फोर माइनस वन ओवर फोर. बेटा यहाँ थ्री आना, यहाँ थ्री आना बेटा, चेक कर लीजिए, ठीक कीजिए यहाँ पे, एंड इट विल बी वन बाय सिक्स माइनस का. बेटा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ थ्री पर वैल्यू पुट करनी है डिनोमिनेटर में. सिमिलरली इट विल बी ए थ्री ओवर फोर माइनस वन बाय सिक्स ओवर फोर, दैट इज माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर. एंड देन ए फाइव, दिस इज ए फाइव माइनस वन ओवर फाइव, दैट इज ए फोर ओवर फाइव, एंड दैट इज माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर ओवर फाइव, और ये माइनस वन ओवर वन ट्वेंटी आ जाएगा आपके पास. सो दीज फोर विल बी योर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो बुक्स में जरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए. यहाँ लिखा है राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 टू 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज. बेटा जी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी ऑब्टेन करने को कहा है. तो अभी आज मैंने डेफिनेशन लिखवाई है कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है. अब सीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग कॉमास के साथ लिख देते हैं, लेकिन अगर सीरीज में लिखना है आंसर, then what you should write here, so accordingly यहाँ पे लिखेंगे therefore सबसे पहले minus one plus minus one by two plus minus one by six plus minus one by 24 plus minus one by 120 plus and so on is the required series, is the required series. बेटा जी अगर आप लोग एंड में इस तरह से आंसर नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को रिक्वायर्ड सीरीज भी पूछी हुई है. एक तो हम लोगों को कहा है कि अगली पांच टर्म या फर्स्ट फाइव टर्म लिखिए, और साथ में हम लोगों को यह कहा है कि राइट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑल्सो. सो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से अगले सीरीज की फॉर्म में लिखना है, तो हम लोगों को यहाँ पे प्लस माइनस के साइन लगाने पड़ेंगे. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं. Fourteenth question of this exercise, I think it's the last question. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है Fibonacci sequence is defined by one is equals to a one is equals to a two and a n is equals to a n minus one plus a n minus two. चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे थर्ड टर्म ऑनवर्ड पिछली दो टर्म्स का सम है. देख लीजिए, अगर n की वैल्यू थ्री पुट करते हैं तो ये आता है a2 और ये आता है a1, यानी कि हर एक टर्म पिछली दो टर्मों के सम के बराबर है. वेयर n इज ग्रेटर देन 2 एंड वी नीड टू फाइंड an प्लस 1, फाइंड an प्लस 1 ओवर an फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4 and 5. अब मैंने यहां पे जिस तरह से लिखा बेटा, आपने कॉपी पे भी इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी और साथ साथ में मैं यहां पे राइट हैंड साइड वाली पार्ट भी सॉल्व करना शुरू करूंगा. नाउ सी हियर, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 पुट करनी है. यहां पे करते हैं पुट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5. अब जब यहां पे 1 पुट किया तो इट विल बी ए वन प्लस वन ओवर ए वन, यानी कि ए टू ओवर ए वन, और ए टू और ए वन दोनों की वैल्यू 1 के बने, तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 1 ओवर 1, आंसर कम्स आउट टू बी 1. अब बात करते हैं n इज इक्वल्स टू 2. जब n की वैल्यू 2 पुट की तो मेरे पास आता है ए टू प्लस 1 ओवर ए टू, यानी कि ए थ्री ओवर ए टू. अब बेटा जी ए टू की वैल्यू तो मेरे पास 1 है,
लेकिन ए थ्री की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो अब ए थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है यहां पे मैं वैल्यू पुट करनी शुरू करूंगा। अब क्योंकि यहां पे लिखा है n ग्रेटर देन 2 इसलिए यहां पे n की वैल्यू 3 पुट करता हूं। पुट n इज इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा a3 इज इक्वल्स टू a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, यानी कि a2 प्लस a1, a2 और a1 दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1, आंसर कम्स आउट टू बी 2, यानी कि a3 की वैल्यू बेटा जी 2 आ गई। तो यहां पे अब मैं a3 की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, आंसर कम्स आउट टू बी 2। अब n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, a3 प्लस 1 ओवर a3, a3 मेरे पास कितना आया था 2, यहां पे a3 आ जाएगा और ये a4, नीचे मैं 2 पुट कर रहा हूं बट फॉर अगेन a4 मुझे यहां वापस आना पड़ेगा, यहां पुट n इज इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा a4 इज इक्वल्स टू a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, यानी कि a3 प्लस a2, a3 की वैल्यू थी 2, a2 की वैल्यू यहां से 1, तो मेरे पास टोटल आंसर a4 का आंसर कितना आ गया 3, वो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। सो a3 प्लस 1 ओवर 3, यहां पे हमारे पास आंसर आ जाता है 3 बाय 2। नाउ n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, a4 प्लस 1 ओवर a4, यानी कि a5 ओवर a4, डिनोमिनेटर तो मैं 3 बाय 2 पुट कर रहा हूं। अब a5 के लिए यहां पुट n इज इक्वल्स टू 5, इट विल कम आउट टू बी a5 इज इक्वल्स टू a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, a4 प्लस a3, अब a4 की वैल्यू थी 3 और a3 की वैल्यू 2, आंसर कम्स आउट टू बी 5, मींस a5 की वैल्यू 5 आ रही है, यहां पे 5 पुट कर दूंगा। Now this 2 will multiply with this 5, it will come out to be 10 by 3. और इसी तरह से अगली टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, that will come out to be a 5 plus 1 over a 5. a 5 plus 1 यानी कि a 6 हो जाएगी और a 6 आप लोग इसी फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे a 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। करो फाइंड आउट लास्ट टर्म, और जब फाइंड आउट हो जाएगी तो हैंड रेस्ट कर दीजिएगा बेटा जी, फाइंड आउट कीजिए। इन्होंने सॉल्व कर लिया है, दे कैन सी आंसर, जहां तक मेरा ख्याल है 8 ओवर 5 आता है, चेक कर लीजिएगा, आंसर इज 8 ओवर 5, a6 और a5 विल बिकम 8 ओवर 5। नाउ इन बिटवीन हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस छोड़े हैं, जो मैंने एक दो क्वेश्चंस छोड़े हैं दोस क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व योरसेल्फ। एक ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने छोड़ा है, 13 क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। 13 क्वेश्चन में a1 और a2 की वैल्यू 2 गिवन है, तो जब हम लोग an में वैल्यू 1 और 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन पुट करेंगे तो ये दो वैल्यूज यूज करके हम लोग फर्दर बाकी की टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज टर्म दीज क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ एंड दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और वही हमारे पास टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेगा। सेम वही फार्मूला जनरल टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म का भी वही फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म्स का भी सेम फार्मूला एन एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एन, वही फार्मूले यूज होने हैं। बट सिर्फ ये है कि हम लोग अब फर्दर उसको एक्सटेंशन में पढ़ेंगे और उसकी एक्सटेंशन हमारे पास। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके बेटा, विल मीट टुमारो। सोनिया मैम प्लीज मेक मी होस्ट सो दैट आई कैन एंड दिस मीटिंग। विल मीट टुमारो।